good morning dear students how are you today i hope you all are fit and fine at home welcome back to english class today we will learn about unit number 7 the table and the chair in this lesson we are going to start understanding what we read and spelling and vocabulary in the previous period we learned about a table and a chair that went for a walk आई होप ड वॉट आई टोल्ड यू इन द प्रिवियस पीरियड वॉज अंडरस्टूड वेल बाय मी नाउ लेट स्टार्ट ओपन पेज नंबर फिफ्टी एट राइट सी डब्ल्यू एंड टूडेज डेट ट्वेंटी सेवन नोवर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड डे फ्राइडे टेक द बेस्ट आंसर वॉट डिड द टेबल नॉट लाइक टेबल को क्या पसंद नहीं आए द करेक्ट आंसर इज हिट एंड चिल्बलेंस ओके नाउ नेक्स्ट वट डिड द टेबल वॉन्ट टू डू टेबल क्या करना चाहता था द करेक्ट आंसर इज टेक अ वॉक आउटसाइड इन द फ्रेश एयर एंड हैव अ टॉक विद द चेयर फ्रेश एयर में बाहर वॉक करना और चेयर के साथ बात करना नंबर थ्री डिड द चेयर एग्री विद द टेबल क्या टेबल के साथ चेयर एग्री थी? आंसर इज नो बिकॉज द टेबल वॉन्टेड टू डू सिली थिंग्स नो क्योंकि नहीं क्योंकि टेबल ये सिली मतलब मूर्खतापूर्ण काम करना चाहता था ओके नंबर फोर वॉट वॉज द टेबल्स रिप्लाई टेबल का रिप्लाई क्या था ओके ए द करेक्ट आंसर दे ट्राई एंड वर्क ऑन टू ऑफ देर फोर लेग्स वे कोशिश तो कर सकते थे और अपने चार पैरों में से दो पैर पे चल भी सकते थे ओके क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डू यू थिंक द टेबल एंड चेयर टोटल स्लोली लाइक बेबीज टोटल इट मीन्स वर्क लाइक अ बेबी बेबी के साथ जैसे बेबी कैसे लटकड़ाते हुए चलता है वैसे आपको क्या लगता है कि टेबल और चेयर बच्चों की तरह धीरे धीरे हुए चल रहे थे द करेक्ट आंसर इट डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक उनके लिए चलना मुश्किल था क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई डिड द पीपल हरी टू गो एंड सी द टेबल एंड चेयर वॉकिंग अराउंड लोगों ने टेबल और चेयर को घूमते हुए देखने के लिए जल्दी क्यों की थी बिकॉज द करेक्ट आंसर इज सी इट वॉज एन अनबिलेवेलेबल साइड ओके मतलब ये जो टेबल और चेयर का चलना था ये कैसे था अविश्वसनीय मतलब जिसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं रह सकते हैं ऐसा वो दृश्य था ओके okay? नाउ नेक्स्ट स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी क्वेश्चन नंबर ए रीड दिस वर्ड्स अलाउड एट सम मोर वर्ड्स एंडिंग विथ एस एच इन वर्ड्स को आपको क्या करना है जोर से रीड करना है और कुछ और शब्दों को एस एच के साथ और लिखना है मतलब एंडिंग में उसका क्या आना चाहिए एस एच लाइक दिस एस्टोनिश डिश फिनिश फिश फुलिश पनिश सेल्फिश एंड रेडिश तो ऐसे ही कुछ वर्ड आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है जिसके एंड में एस एच हो लाइक दिस ब्लैकिश बेबिश स्मॉलिश एंड बिग इश नंबर क्वेश्चन नंबर बी फाइन वर्ड्स इन द पोएम डेट हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स पोएम में कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं जिसको हमें फाइंड करना है जिसके मीनिंग्स इससे मैच हो रहे हो ओके हैप्पी इट मीन्स चेयरफुल ओके ऑल द पीपल इट मीन्स एवरीबडी हरिड इट मीन्स हास्टेन हरिड मतलब जल्दी करना ओके ऑल द पीपल मीन्स सभी लोग एवरीबडी हैप्पी मीन्स खुश प्रसन्न इट मीन्स चेयरफुल वॉक लाइक अ बेबी मतलब बच्चे की तरह चलना टोडल्ड एंड शाउटेड लाउडली जोर से चिल्लाना इट मीन्स क्राइड ये जो वर्ड्स हम लोगों ने अभी यहाँ पर राइट डाउन किया है यह आपको पोएम में से फाइंड आउट करना था हेपीट मीन्स चेयरफुल ऑल द पीपल इट मीन्स एवरीबडी हरीड इट मीन्स हास्टेंड वॉक लाइक अ बेबी इट मीन्स टोडल्ड

वर्ड ये कुछ क्वेश्चन वर्ड है जो आपको यहां पे एग्जाम्पल में दिया है ओके हाउ मींस कैसे किस तरह वॉट मींस क्या वेन मीन्स कब वेयर मींस कहाँ विच मीन्स कौन सी कौन सा वू मीन्स कौन वाई मीन्स क्यों क्यू एंड वूज मीन्स किसका किसकी ओके okay. फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिए हैं आपको उसको क्या करना है क्वेश्चन वर्ड से उस ब्लैंक को फिल करना है रिमेंबर टू एंड ईच क्वेश्चन विथ अ क्वेश्चन मार्क और याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क्स के साथ हर क्वेश्चन को एंड करना है ओके डियर नाउ नेक्स्ट वन ब्लैंक इज नॉकिंग ऑन द डोर डोर को नॉक कौन कर रहा है और कौन का मतलब होता है वो सो राइट ही वो इज नॉकिंग ऑन द डोर नाउ नेक्स्ट ब्लैंक कैन वी गो आउट इन द रेन बारिश में हम लोग बाहर जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं ओके okay? तो कैसे के लिए वर्ड आएगा हाउ हाउ कैन वी गो आउट इन द रेन हम बारिश में कैसे बाहर जा सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट ब्लैंक इज माई शर्ट मेरा शर्ट मेरा शर्ट कहा है ओके सो राइट हियर वेयर वेयर इज माई शर्ट मेरी शर्ट कहा है नंबर फोर बुद्ध पेंसिल्स और रेड दोनों पेंसिल्स ये रेड कलर की है ब्लैंक वन इज य कौन सा है तो आपका आएगा यहाँ पे विच सॉरी कौन सा ठीक है विच मीन्स कौन सा तो यहाँ पे बढ़ आएगा विच वन इज योर्स आपका कौन सा है नव नेक्स्ट फाइव ब्लैंक इज द बेबी क्राइम बच्चा रो रहा है बच्चा क्यों रो रहा है ओके तो यहां पे आएगा आपको लिखना है वाई बच्चा क्यों रो रहा है वाई इज द बेबी क्राइम नंबर सिक्स इज योर नेम नाम क्या है आपका नाम क्या है वॉट इज योर नेम ओके मतलब क्या के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग वॉट नंबर सेवन ब्लैंक विल द इज बिल रिंग ओके इज बिल कब होगी कब के लिए वर्ड क्या है वेन वेन विल द इज बिल रिंग ब्लैंक बुक इज दिस बुक यह बुक किसकी है तो किसके लिए वर्ड कौन सा आएगा वुज वुज बुक इज दिस ओके डियर अब आपको मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे अरेंज करके बताती हूँ ये तो हम लोगों ने आंसर लिख लिया है वो इज नॉकिंग ऑन द डोर ओके मतलब डोर को नॉक कौन कर रहा है अब यहाँ पे हम लोग वेन लिख सकते हैं क्या वेन इज नॉकिंग ऑन द डोर मतलब डोर को नॉक कब कर रहा है नो no. पर्टिकुलर जो वर्ड यहाँ पे चाहिए वही वर्ड यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन वर्ड ओके डियर अंडरस्टूड एवरी वन बाय चिल्ड्रेन टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ